अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ़ और आप देख रहे हैं वीडियो वाले बाबा जी ऑफिशियल चैनल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 में मुकम्मल तौर पर जो गवर्नमेंट की तरफ से ततील होंगी वो कितनी छुट्टियाँ हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपके इस साल 2020 में कितनी छुट्टियाँ हो सकती हैं। साल भर तो 2020 के लिए आम ततीलात का ऐलान कर दिया गया है। मजमू तौर पर अगले वर्ष के दौरान कुल 14 छुट्टियां होंगी। ईद उल फितर मुमकिन तौर पर 24 मई को होगी। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने 2020 के लिए आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। पहली छुट्टी 5 फरवरी योम यकजा कश्मीर डे पर होगी, जो 5 फरवरी की आज छुट्टी है, दिन बुध है। कैलेंडर में त्यौहारों समेत दिगर छुट्टियों की तफसीलात मौजूद हैं। वजारत दाखिला के जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक 2020 में मजमू तौर पर 14 छुट्टियां होने वाली हैं। स्टूडेंट्स, आपकी मौज हो जाएगी, 14 छुट्टियां आने वाली हैं इसी साल में। पहली छुट्टी योम कश्मीर डे जिसे हम मनाते हैं 5 फरवरी को, ठीक है, और उसके बाद 23 मार्च बरोज़ पीर योम पाकिस्तान पर, और उसके बाद तीसरी ततील 1 मई बरोज़ जुमा योम मज़दूर डे पर मनाया जाएगा। फिर मुमकिन तौर पर ईद उल फितर 24, 25 और 26 मई अतवार पीर मंगल को 3 दिन मनाई जाएगी। उसके बाद आ जाती है ईद उल जुहा 31 जुलाई 1 और 2 अगस्त बरोज़ जुमा हफ्ता अतवार को मनाई जाएगी, जबकि जश्न आज़ादी, ठीक है, 14 अगस्त बरोज़ जुमा को होगी। वाह, 14 अगस्त जो आ रही है वो जुमे वाले दिन चला आएगी। और अशवारा की छुट्टियाँ 29 और 30 सितंबर बरोज़ मंगल और बुध को होगी, और उसके बाद ईद मिलादन नबी 12 रबी अव्वल ततील होगी 29 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को होगी। ईद मिलादन नबी जुमेरात वाले दिन आ रही है 29 अक्टूबर को। और कैद आजम का योम पैदाइश डे जो होगा वो 25 दिसंबर बरोज़ जुमा को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा पाकिस्तान में। और ततीलात में तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी अदारे जो टोटली बंद होंगे। ये 14 छुट्टियां ऐसी हैं जिसमें हर अदारा बंद होगा, जितने भी गवर्नमेंटी अदारे वो सब के सब बंद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन और छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।